हाय गाइस, आज हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का प्रैक्टिस सेट 13 यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पे जो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल्स ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी इनवर्स, यानी ऐसे नंबर जिनका जो मल्टीप्लाई है वो 1 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नंबर को इनवर्स करके यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ 7 दिया है, तो हमें इसका किसी प्रिकॉल यहाँ पे बताना है। यहाँ पर हमें 7 दिया है, तो हम यहाँ पे 7/1 कंसीडर कर देंगे। देन इनको इस नंबर को इनटू करेंगे और यहाँ पे इनवर्स कर देंगे। यहाँ इस तरह इस नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे 1/7। सेम उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 11/3 इसको इनटू करेंगे, यहाँ पे इनवर्स कर देंगे उसको, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 3/11। इस नंबर का इनवर्स यहाँ पे क्या है, 3/11। सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम 5/13 को इनवर्स करके यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नंबर को इनवर्स कर देना है, यहाँ पे व्यस्त कर देना। यहाँ पे 2 है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/2। तो ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल क्या क्या आएगा, 1/2। इस तरह हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन। यहाँ पे हमें डिविजन प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो नंबर है 2/3 उसको एज इट इज लिखना है। जब भी हम डिविजन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हमें उसको इनवर्स करके उसको मल्टीप्लाई करना है। देन जो नेक्स्ट नंबर है वो हम इनवर्स करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 × 4 = 8 और 3 × 1 = 3। इस तरह हम इस नंबर को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है 5/9 इंटू, यहाँ पे डिविजन है तो हमें इंटू करना है और ये नंबर जो नेक्स्ट नंबर है उसको इनवर्स करना है यहाँ पे 2/3 और उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई सॉल्व करना है यहाँ पे 10 × 27, 9 × 27 और 5 × 10, ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इस नंबर को 5/11 को इनवर्स कर लिखना है 11/5, देन इसको सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 × 11 यहाँ पे 33 और 5 × 7 यहाँ पे 35। ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व कर देना है। ओके गाइस, अब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स ने स्वच्छ भारत मिशन कैंपेन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने एक जो टाउन है सेवाग्राम, उस टाउन का 42/75 जो पार्ट है उसको क्लीन किया है। तो हमें ये बताना है कि हर एक स्टूडेंट ने इस पार्ट में कितना जो पार्ट है वो क्लीन किया है, हमें हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे बताना है। तो हमें इसके लिए जो हमारा क्लीन पार्ट है वो क्या है, 42/75 और इसमें 420 जो स्टूडेंट है उन्होंने कितना पार्ट को यहाँ पे क्लीन किया है, ये हमें बताना है। तो हमें इस नंबर को इस नंबर से सीधा सीधा यहाँ पे डिवाइड करना है। तो हमें 420 को यहाँ पे
अपॉन 75 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, वहां पे इनवर्स कर देना होता है। तो हम उसको इनवर्स करके लिखेंगे इनटू 1 अपॉन 420। यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 41, यहाँ पे 41, तो हमें क्या मिलेगा 1/75 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 अपॉन 10। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1 1 1 और 75 इंटू 10 यहाँ पे 750, ये हमें आसानी से यहाँ पे ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो 420 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट के हिस्से में 1/750, यहाँ पे जो जो टाउन का पार्ट था वो हर एक स्टूडेंट ने 1/750 यहाँ पे क्लेम किया है। इस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, देन उसको इनवर्स करके सॉल्व कर देना है।